नमस्कार, स्वागत करते हैं एक और फ्रेश वीडियो में। एंट्री सेगमेंट कार की बात करें तो मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 यार कई इंडियन की पहली गाड़ी होती है। और हम बता दें आपको कि इसकी क्रैश टेस्ट रेटिंग के रिज़ल्ट आ चुके हैं जो कि ग्लोबल NCAP ने किए हैं। मैं आपको बता दूं काफ़ी अच्छा तो नहीं बट कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बेहतर धीरे धीरे और होता जाएगा। एक पॉजिटिव न्यूज़ के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट रेटिंग रिज़ल्ट में मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 लेके आई है 2-स्टार। और कहीं ना कहीं अब कंपनी सोच चुकी है कि यार गाड़ी में सेफ्टी देना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और धीरे धीरे ही सही आगे चल के कंपनी अपने और गाड़ी में और इम्प्रूवमेंट लाएगी। और अभी 2-स्टार लेके आई है, कल को 3-स्टार, 4-स्टार, 5-स्टार बहुत जल्द लेके आने लगेगी। सिर्फ ऑल्टो K10 नहीं, मारुति की अन्य और गाड़ी मैं आपको बता दूं यहाँ पर अडल्ट सेफ्टी में 2-स्टार लेके आई है, चाइल्ड सेफ्टी में 0-स्टार। और क्या स्कोर है आप खुद ही चेक कर सकते हैं अपने स्क्रीन पर। बाकी आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और मैं यही चाहूँगा कि मारुति सुजुकी भी इंडियन मार्केट में एक के बाद एक सेफ गाड़ी उतारे ताकि लोगों का ध्यान, और कंपटीशन की बात करें तो सेफ्टी में महिंद्रा और टाटा इनसे अच्छी यार कोई गाड़ी नहीं है। बाकी स्कॉडा और VW तो यार ऑल टाइम रहती है। बाकी आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अगर आपके किसी दोस्त के पास ऑल्टो K10 है तो। बाकी इसी के साथ, फोर व्हीलर चलाते तो प्रॉपर तरीके से सीट बेल्ट लगाए, टू व्हीलर चलाते हेलमेट जो पहने, सेफ्टी नंबर 1 प्रायोरिटी, साइनिंग ऑफ 7811। जय हिंद, जय भारत।